तो देख लेते हैं अब हम यहाँ पर इंटरनल रिएक्शंस क्या क्या हो सकती है. सो इंटरनल रिएक्शंस, एक्सटर्नल रिएक्शंस तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, इंटरनल रिएक्शंस अब हम जल्दी से देख लेते हैं. इंटरनल रिएक्शंस मतलब आपके मेंबर फोर्सेस, है ना. मैं पहले भी बता चुका हूँ, इंटरनल रिएक्शंस मतलब आपके मेंबर फोर्सेस. अब ये जो मेंबर फोर्सेस है ना, ये कुछ भी हो सकते हैं, ये टाइप ऑफ स्ट्रक्चर पर डिपेंड करते हैं. या तो ये आपका एक्सियल फोर्स भी हो सकता है, ये आपका बेंडिंग मोमेंट भी हो सकता है, या आपका शियर फोर्स भी हो सकता है, या आपका टॉर्शनल मोमेंट भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है. ठीक है, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, टॉर्शनल मोमेंट, एक्सियल फोर्स, कुछ भी हो सकता है मेंबर के अंदर लग रहा है. तो यहां पर मैं टाइप ऑफ मेंबर्स पे डिपेंड करता है कि किस टाइप के फोर्सेस आने वाले हैं. तो यहां पर मैं बात करता हूं आप लोगों का पिन जॉइंटेड. केस नंबर वन लेता हूं कि यदि मेरे पास, मैंने आपको कहा कि जो मेंबर फोर्सेस रहते हैं वो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर पर डिपेंड करते हैं, टाइप ऑफ मेंबर्स पर डिपेंड करते हैं. तो मैं कह रहा हूँ केस नंबर वन कि मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास पिन जॉइंटेड मेंबर्स है. पिन जॉइंटेड मेंबर्स है से मतलब क्या है मेरा, कि मेरे पास यहां पर ट्रस मेंबर है. पिन जॉइंटेड मेंबर है से मेरा मतलब क्या रहेगा, मेरे पास ट्रस मेंबर है. कोई एक ट्रस होगी, उसका एक कोई मेंबर होगा, उसकी हम बात करते हैं. तो यदि मैं कह रहा हूं कि मेरे पास ट्रस का एक मेंबर है, तो या तो ये 2D ट्रस में हो सकता है, या तो ये 2D का होगा, या फिर ये 3D का होगा. तो यदि मैं बात करूं कि मेरे पास एक 2D ट्रस में एक मेंबर है कुछ इस तरीके से, तो पहले तो मैं एक बात यहां आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं, या तो पहले मैं लिख ही देता हूं कि चाहे आपके पास 2D ट्रस हो या चाहे आपके पास 3D ट्रस हो, हम जो लोड लगाते हैं वो हमेशा जॉइंट्स पर लगाते हैं. ट्रस के केस में भाई आप लोग समझते हैं, मैं अपना घर बनाता हूं, घर में स्लैब होती है, स्लैब का लोड बीम पे ट्रांसफर होता है, बीम का कॉलम में, कॉलम का फुटिंग पर, ये सब मैं समझता हूं. बीम्स के ऊपर लोड कहां लगता है, पूरे बीम्स की लेंथ पर लगता है, थ्रू आउट द स्पैन लगता है. लेकिन यदि वहीं पर मैं ट्रस की बात करूं, तो ट्रस पर जो लोड लगता है वो ट्रस के मेंबर के ऊपर कभी नहीं लगता, हमेशा ट्रस के जॉइंट्स पर लगेगा, हमेशा ट्रस के जॉइंट्स पर लोड लगेगा. तो यहां पर मैं वही लिखना चाहता हूं कि जो ट्रस है, ट्रस के कभी भी मेंबर के ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे आप लोग, ना किसी टाइप का लोड लगाएंगे, चाहे फिर आप वो सॉफ्टवेयर में ही एनालिसिस क्यों ना कर रहे हो. ट्रस में जो लोड लगेगा वो हमेशा उसके जॉइंट्स पर लगेगा. तो यहां पर मैं एक इंपॉर्टेंट बात करके ये लिखना चाहूंगा कि इन द केस ऑफ पिन जॉइंटेड मेंबर्स और पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर्स, पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर्स लोड्स आर अप्लाइड. पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर मतलब ट्रस स्ट्रक्चर्स, ट्रसेस, लोड्स आर अप्लाइड एट द जॉइंट्स ऑलवेज. लोड्स आर नॉट अप्लाइड, लोड्स आर नॉट अप्लाइड ऑन दी मेंबर्स, ऑन दी स्पैन ऑफ दी मेंबर्स. अदरवाइज दे विल बिकम बीम्स. अदरवाइज भाई अपने यदि मेंबर्स के ऊपर लगा दिया, सो ये तो बीम का केस बन गया, फिर ये ट्रस थोड़ी ना रहा. सो अदरवाइज दे विल बिकम, दे विल बिकम बीम्स. ठीक है, तो ये बहुत जरूरी बात थी सीखने के लिए मेरे लिए, तो मुझे यहां पर ये सीखने को मिला एक बात. अब मैंने कहा कि मुझे तो, मैं तो बात किसके करना चाह रहा था, इंटरनल रिएक्शंस मुझे निकालना था, मेंबर फोर्स मुझे निकालना था. तो मैंने कहा कि यदि मेरे पास 2D ट्रस है, 2D ट्रस का कोई मेंबर है और वो कुछ इस तरीके से मेरे पास है, कोई भी एक ट्रस होगी, कोई भी एक ट्रस होगी जहां से मैंने एक मेंबर निकाला, इस ये एक मेंबर जो है ये कैसे कनेक्टेड होगा, ये पिन्स के थ्रू में एक
किसी ट्रस्ट में कनेक्टेड होगा, वो ट्रस्ट में से वो मेंबर निकाल के मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है, पिन के थ्रू कनेक्टेड है, हिंजेस यहां पर प्रेजेंट है। तो हर एक रिएक्शंस, एक्सटर्नल रिएक्शंस की बात कर रहा हूं भाई साहब, मैं किसकी बात कर रहा हूं, एक्सटर्नल रिएक्शंस की। तो मैंने आप लोगों को क्या सिखाया अभी थोड़ी देर पहले, जब भी एक्सटर्नल रिएक्शन पिन जॉइंटेड सपोर्ट्स की बात करता हूं तो कितनी रिएक्शंस आ जाती है 2D के अंदर, तीन, RX एंड RY। तो यहां पर भी आपके पास दो रिएक्शंस देखने को मिल गई, एक मिल गया है आपको RX, दूसरा मिल गया है RY। अब मैं इसको फोर्स के टर्म में लिख देता हूं, आप चाहे तो FY एंड FX, आप चाहे तो RX RY भी लिख लो, कोई गलत नहीं है, सब सही है। तो यहां पर भी मैंने क्या लिख दिया, FY और FX लिख दिया। मैं मान लेता हूं कि ये जो मेंबर है इसके अंदर टेंसाइल फोर्सेस आ रहे होंगे, टेंशन आ रहा होगा, इसलिए मैंने FX ऐसा पुल करते हुए बनाया। यदि आपके मेंबर में कंप्रेशन आ रहा है तो फिर आप इसको और इसको ऐसा कंप्रेस करते हुए फिर बनाएंगे। क्लियर है यहां तक की बात? अच्छा, अब मुझे क्या निकालना है, ये तो मैंने एक्सटर्नल रिएक्शंस बना रखी है, मैं एक्सटर्नल रिएक्शन तो ऑलरेडी पढ़ चुका हूं, मुझे जो बनाना है यहां पर निकालना क्या है, इंटरनल रिएक्शंस निकालना है। कि इंटरनल रिएक्शंस कितनी आ रही है भाई साहब, तो इंटरनल रिएक्शंस के लिए हमें मेंबर फोर्स निकालना होगा। तो मैंने इस मेंबर को कट किया कुछ इस तरीके से और देखा कि मेंबर को कट करने के बाद मुझे जो रिएक्शन देखने को मिलता है वो रिएक्शन है आपका ये वाला, दैट इज योर एक्सियल फोर्स। मतलब मुझे केवल एक ही रिएक्शन देखने को यहां पर मिल रहा है, दैट इज योर एक्सियल फोर्स। तो मैंने यहां से कंक्लूजन निकाला कि मेरे ट्रस में सबसे पहली बात मैंने क्या सीखी, ये सीखी कि जो लोड है वो सिर्फ और सिर्फ हमेशा जॉइंट्स पर लगाया जाएगा, एक बात। दूसरी बात मैंने क्या सीखी कि ट्रस के हर एक जॉइंट पर दो रिएक्शंस लगती है। ये एक जॉइंट था, दो रिएक्शन लग गई RX RY, ये एक जॉइंट था, दो रिएक्शन लग गई RX RY। ये थी मेरी दूसरी बात सीखने की। और तीसरी बात मैंने क्या सीखा, तीसरी बात मैंने ये सीखा कि आपके ट्रस मेंबर में जो फोर्स लगेगा, मेंबर फोर्स, इंटरनल रिएक्शंस, वो केवल एक ही लगेगा और वो रहेगा आपका एक्सियल फोर्स। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि ये जो इंटरनल रिएक्शन है, ये जो मेंबर फोर्स है, वो इन चारों में से कुछ भी हो सकता है, तो ट्रस के केस में एक्सियल फोर्स रहता है। तो मेंबर में हमेशा एक्सियल फोर्स रहेगा, ट्रस में कभी बेंडिंग मोमेंट नहीं होगा, कभी शेयर फोर्स नहीं होगा, कभी टॉर्शनल मोमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा है ऐसा सर? सर इसलिए ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि आपने जो फोर्सेस है वो हमेशा जॉइंट्स पर लगाए हैं, मेंबर्स पर नहीं लगाए हैं, इसलिए मेंबर में सिर्फ और सिर्फ एक्सियल फोर्स ही आने वाला होगा। अभी एक्सियल फोर्स चाहे कंप्रेसिव हो सकता है, चाहे टेंसाइल हो सकता है, दैट इज द डिफरेंट थिंग, ठीक ना। तो यहां पर मैंने मान लिया कि वो टेंसाइल है, आप लोग ऐसा बना दोगे तो वो कंप्रेसिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक्सियल फोर्स ही केवल लगने वाला रहेगा, इसके अलावा और कोई टाइप का इंटरनल फोर्स उसमें नहीं आएगा। तो ये था 2D के केस में। ऐसे यदि मैं 3D की बात करूं कि मेरे पास सपोज 3D में कोई ट्रस है, तो 3D में भी मैंने एक ट्रस में से कुछ इस तरीके से वो ट्रस होगी, ये इस तरीके से यहां पर, और यहां पर क्या है, पिन जॉइंटेड है। कोई एक ट्रस्ट थी, उसमें से मैंने एक मेंबर निकाल के लाया 3D ट्रस्ट में से, और वो यहां पर ये मैंने रख दिया। 3D ट्रस्ट के हर एक जॉइंट पर ये क्या है, ये भी पिन जॉइंट है, ये भी पिन जॉइंट है, ये भी हिंज है, ये भी हिंज है। तो मैं पढ़ाया था आपको एक्सटर्नल रिएक्शंस के बारे में थोड़ी देर पहले। तो जब भी आपके पास 3D सपोर्ट होता है, 3D पिन जॉइंटेड सपोर्ट होता है, तो कितनी रिएक्शन आती है, तीन रिएक्शन, RX RY RZ। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि यदि 3D में है तो मेरे पास तीन रिएक्शन आने वाली होगी। फोर्सेस के टर्म में आप चाहें तो फोर्सेस के टर्म में लिख देता हूं, FY आने वाला होगा, FX आने वाला होगा, साथ ही में FZ आने वाला होगा। ऐसे यहां पर भी तीन रिएक्शन आ जाएगी, FY आने वाला होगा, FX आने वाला होगा और FZ आने वाला होगा। तो ये तीन रिएक्शंस यहां पर भी मुझे देखने को मिल गई। अच्छा, ये तो हुई मेरी एक बात। दूसरी बात, मुझे मेंबर फोर्सेस की बात करना था स्पेशली। ये तो मेरे रिएक्शंस हो गई, एक्सटर्नल रिएक्शन जो मैं पढ़ चुका हूं पहले, लेकिन यहां पर मैं इंटरेस्टेड था इंटरनल रिएक्शंस निकालने के लिए, तो मैंने मेंबर को कट किया। जरूरी नहीं है कि ये मिड स्पैन से मैंने कट किया हो, किसी भी जगह पर कट करूंगा मुझे केवल एक ही फोर्स मिलेगा यहां पर भी, एक्सियल फोर्स। तो यहां पर भी हमने क्या किया, कट किया, तो मुझे केवल एक ही फोर्स देखने को मिला, दैट इज योर एक्सियल फोर्स। मतलब
चाहे मैं यहाँ की बात करूँ 2D में, चाहे मैं यहाँ की बात करूँ 3D में, मैंने लोड्स हमेशा जॉइंट्स पर लगाए हैं, तो मेंबर के अंदर केवल एक ही फोर्स आएगा और वो रहेगा आपका इंटरनल फोर्स, मेंबर फोर्स जिसको हम कह सकते हैं, और वो रहेगा आपका एक्सियल फोर्स। तो यहां पर मैं लिखना चाहूंगा कि देयर विल बी ओनली वन या देयर इज ओनली वन इंटरनल रिएक्शन That is axial force, ठीक है। तो यहां पर केवल एक ही इंटरनल रिएक्शन रहेगा, axial force, और यहां पर भी मैं सेम स्टेटमेंट लिखूंगा, देयर इज ओनली वन इंटरनल रिएक्शन दैट इज axial force, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास, मैं लिख देता हूं कि हमारे पास केवल एक ही रिएक्शन देखने को मिला, R इक्वल टू वन लिखूंगा, यहां पर भी मेरे पास R इक्वल टू वन ही लिखूंगा, इंटरनल रिएक्शन हमें केवल वन देखने को मिला है। R क्या है? इंटरनल रिएक्शन है, तो इंटरनल रिएक्शन मुझे केवल यहां पर वन, यहां पर भी वन देखने को मिला है, ट्रसेस के केस में, पिन जॉइंटेड मेंबर्स के केस में। तो ये क्या था मेरे पास, केस नंबर वन था, ये था केस नंबर वन, पिन जॉइंटेड मेंबर्स है। अब मैं बोल रहा हूं रिजिड जॉइंटेड मेंबर्स आ जाए केस नंबर टू में, तब वो मेंबर में कितने फोर्सेस आने वाले रहेंगे उसकी मैं बात कर लेता हूं। तो जैसे कि हमने बात किया यहां कहीं पर केस नंबर टू का, केस नंबर टू है मेरे पास रिजिड जॉइंटेड मेंबर्स। रिजिड जॉइंटेड मेंबर्स का मीनिंग आप लोग अच्छी तरीके से आप समझ रहे होंगे, मैं बात कर रहा हूं बीम मेंबर्स की, बीम्स की मैं बात कर रहा हूं, फ्रेम का कोई भी मेंबर ले लो उसकी। सो मैं यहां पर लिख देता हूं, या तो वो बीम्स का एक मेंबर हो सकता है या किसी भी एक फ्रेम का मेंबर हो सकता है। फ्रेम का मीनिंग आप लोग समझते हैं, हमारे घर में एक कॉलम होता है, दूसरा कॉलम होता है, बीच में बीम होती है, ये पूरा आपका एक फ्रेम बन चुका है, इसको हम फ्रेम का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो रिजिड जॉइंटेड मेंबर्स की यदि हम बात करें तो इसके अंदर कितने टाइप के इंटरनल फोर्सेस डेवलप होते हैं उसकी अब मैं बात करने वाला हूं। कोई भी एक बीम ले लो, मैंने कहा कि चलो 2D के अंदर हमने एक बीम ले लिया 2D में, और वो है आपका सपोज कैंटिलीवर बीम, ये हमने एक कैंटिलीवर बीम ले लिया था, कैंटिलीवर बीम आप लोगों को नजर आ रहा है, मैंने मान लिया इसके ऊपर कोई लोड लग रहा होगा, कोई एक लोड इस पर लग रहा होगा, यह मैं मान लेता हूं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या नहीं भी मानू तो भी चलेगा। मैंने क्या किया, अब हमें निकालना क्या था, हमें तो इंटरनल रिएक्शंस निकालना है, तो इंटरनल रिएक्शंस की यदि हम बात करें, या मैं कहूं कि इसके ऊपर यूडीएल ना लगते हुए कोई इंक्लाइन लोड लग रहा होगा, मैं ऐसा मान लेता हूं, कोई भी एक लोड इस पर लग रहा होगा, मैं ऐसा मान लेता हूं फॉर एग्जाम्पल। अब हमें, हमने क्या किया, हमें तो मेंबर के अंदर फोर्सेस निकालना है, मेंबर के अंदर, तो ये मेंबर को मैंने कट किया और यहां पर ये मेंबर को मैंने वापस से बनाया, तो देखो ये मेंबर को मैंने वापस से यहां पर बनाया, तो देखते हैं क्या फोर्सेस देखने को मिलेंगे। तो मेंबर में यहां पर जब भी मैं किसी मेंबर को कट करता हूं तो 2D में मुझे तीन फोर्सेस इंटरनली देखने को मिलते, मतलब तीन इंटरनल रिएक्शन देखने को मिलती है, कौन कौन सी, एक इंटरनल रिएक्शन तो रहेगी आपकी वर्टिकल डायरेक्शन में, मतलब एक तो रहेगा आपका वर्टिकल रिएक्शन जिसको मैं यहां पर शेयर फोर्स का नाम देता हूं, एक आप लोगों को इस पर्टिकुलर सेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन में शेयर फोर्स देखने को मिलेगा। दूसरा क्या देखने को मिलेगा, इंक्लाइन लोड है तो आप लोगों को यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, रिएक्शन एक्सियल फोर्स, तो दूसरा आप लोगों को एक्सियल फोर्स अभी यहां पर देखने को मिलेगा। और तीसरा, ये बीम बेंड हो रहा है, मतलब इसमें आप लोगों को बेंडिंग मोमेंट भी देखने को मिल सकता है। तो इसको दो अलग अलग, तीनों अलग अलग फोर्सेस से बनाता हूं मैं, ये एक्सियल फोर्स मैंने ऐसा बना दिया है ना, ये एक्सियल फोर्स हमने इस डायरेक्शन में, सपोज डायरेक्शन में भी एनीथिंग, वो प्लस माइनस से आप मैनेज कर देंगे बाद में। सो ये एक्सियल फोर्स ऐसा हो सकता है, और आप लोगों का जो बेंडिंग मोमेंट है वो बेंडिंग मोमेंट भी मैं बना देता हूं, वो बेंडिंग मोमेंट ये हमने बना दिया कुछ इस तरीके से, और ये आपका लग गया है बेंडिंग मोमेंट। तो मेंबर्स के अंदर तीन
आ चुके हैं, एक आ चुका शेयर फोर्स, दूसरा एक्सियल फोर्स और तीसरा बेंडिंग मोमेंट। तो मैं आप लोगों को ध्यान होगा मैंने यहां पर बताया था कि इंटरनल रिएक्शंस क्या हो सकते हैं, इट मे बी एनीथिंग, या तो ये आपका एक्सियल फोर्स हो सकता है, बेंडिंग मोमेंट हो सकता है, शेयर फोर्स हो सकता है, टॉर्शनल मोमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो देखो जब ट्रस की बात करी थी तो सिर्फ एक्सियल फोर्स आया था मेंबर के अंदर, लेकिन जब मैं बीम्स की बात कर रहा हूं या फ्रेम के किसी मेंबर की बात कर रहा हूं तो उसके अंदर मुझे शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट और एक्सियल फोर्स, ये तीन देखने को मिल रहे हैं 2D के केस में। तो देख सकते हैं मैंने तीनों यहां पर बना रखे हैं, तीनों आ गए। चलिए यहां तक की बात क्लियर हो गई आप लोगों को। आप चाहें तो फ्रेम की भी बात कर सकते हैं। फ्रेम जैसे कि मैं कहूं कि मेरे पास ये कोई एक पोर्टल फ्रेम है कुछ इस तरीके से, तो इस फ्रेम ये है, ये हो गई मेरे पास एक फ्रेम। फ्रेम आप लोग समझते होंगे, इसको हम बोलते हैं कॉलम्स, ये दो वर्टिकल मेंबर्स और ये हो चुके आपके बीम हॉरिजॉन्टल मेंबर्स। तो यहां पर भी यदि मैं कट करूं, यहां पर यदि मैं कट करता हूं कि सर मैं मुझे यहां पर एक कट करा, तो इस पर्टिकुलर मेंबर में इस जगह पर कितने फोर्सेस आ रहे होंगे, तो यहां पर भी इंटरनली यदि ये 2D फ्रेम है तो यहां पर भी आपको तीन फोर्सेस देखने को मिल रहे होंगे, इंटरनल फोर्सेस जिसको हम मेंबर फोर्सेस कह सकते हैं। और वो कौन कौन से रहेंगे, ऑफकोर्स यदि हम इस जगह की बात करें तो मैंने इसको कट किया और कट करके देखा तो यहां पर थोड़ा सा मैं इसको कट कर देता हूं, ये देखो मैंने इसको कट कर दिया तो यहां पर भी मुझे एक तो शेयर फोर्स कैसा देखने को मिल रहा है, ये देखिए शेयर फोर्स ऐसा देखने को मिला, एक्सियल फोर्स ऐसा देखने को मिला एंड बेंडिंग मोमेंट हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिला। इसके अपोजिट डायरेक्शन में फिर इस वाले जंक्शन पर हमें देखने को मिल जाएगा शेयर फोर्स, फिर ऐसा देखने को मिलेगा एक्सियल फोर्स, फिर ऐसा देखने को मिलेगा बेंडिंग मोमेंट, फिर ऐसा देखने को मिलेगा। तो हर एक जगह पर मेंबर क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होते हैं। यदि मैं कह रहा हूं कि एक्सियल फोर्स इधर इतना लग रहा है तो उधर उतना लग रहा होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, शेयर फोर्स ऊपर ऐसा लग रहा है तो फिर नीचे ऐसा लग रहा होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां पर मैंने कट करा है, बेंडिंग मोमेंट इधर ऐसा लग रहा है तो उधर ऐसा लग रहा होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो राइट ऑफ द सेक्शन देखो या लेफ्ट ऑफ द सेक्शन देखो, दो अपोजिट डायरेक्शंस में इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्सेस इंटरनली मेंबर के अंदर लगते हुए नजर आएंगे, जो कि मेंबर को हर एक पॉइंट पर इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखते हैं। तो आप लोगों को ये पिक्चर समझ में आ रही होगी मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो ये तीन टाइप के ही लगेंगे, ऐसा नहीं कि आप इसको 6 काउंट कर लेंगे, तीन ये, ऐसा नहीं होता है, तीन ही काउंट करेंगे, सो 6 काउंट नहीं करेंगे। सो तीन काउंट होंगे, एक विल बी एक्सियल फोर्स, दूसरा विल बी शेयर फोर्स, तीसरा विल बी बेंडिंग मोमेंट। चलिए यहां तक की बात क्लियर हो गई कि नहीं हुई, बिल्कुल हो गई सर। अब ये थी मेरी 2D के केस में, लास्ट में यहां पर देख लेता हूं 3D के केस में क्या होगा। जैसे मैं कहता हूं कि मेरे पास 3D में मैंने कोई एक मेंबर ले रखा है, तो 3D में अभी हम कहें कि हमने एक मेंबर ले रखा है कुछ इस तरीके से, तो इस तरीके से हमने एक मेंबर ले रखा है 3D में, तो इसके किसी भी जंक्शन पर यदि हमें निकालना है या हमने इसको कट किया कि भाई मुझे इस पर्टिकुलर जंक्शन पर बताओ क्या शेयर फोर्स मतलब मेंबर फोर्स आने वाले हैं, तो मैंने कहा ठीक है बताते हैं क्या दिक्कत है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो हमने कहा कि चलो ये आपका ये वो फिक्स एंड हो गया और यहां कहीं पर हमें बताना है कितने टाइप के फोर्सेस लग रहे होंगे, वो हम यहां पर बताना चाहते हैं कुछ इस तरीके से। तो इस पर्टिकुलर जंक्शन पर यदि इस पर्टिकुलर सेक्शन पर यदि हम बात करें तो मेरे पास तीन टाइप के डायरेक्शंस, तीन डायरेक्शन मुझे नजर आ रही है। कौन कौन सी, एक तो ये आपकी वर्टिकल डायरेक्शन जिसको हम क्या नाम दे देते हैं, ये आपकी वर्टिकल डायरेक्शन है जिसको मैंने नाम दे दिया वाई। दूसरी आपका ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मेंबर की लेंथ के अलोंग, उसको हमने क्या नाम दे दिया है, वो हो गई आपकी एक्स। और तीसरी आपके मेंबर के साइड वाली डायरेक्शन मतलब ये वाली डायरेक्शन जिसको हमने क्या दे दिया है कि ये रही होगी आपकी डायरेक्शन दैट इज जेड। तो तीन डायरेक्शन आप लोगों को नजर आ चुकी है, एक्स वाई एंड जेड। अब हमने क्या करा कि यहां पर टोटल 6 मेंबर फोर्सेस डेवलप होते हैं। कितने मेंबर फोर्सेस, 6 मतलब 6 इंटरनल रिएक्शंस आने वाली है। कौन कौन से 6 इंटरनल रिएक्शंस आने वाली है, तो देखिए यहां पर 6 इंटरनल रिएक्शंस में आप पहले आप लोगों को बता देता हूं, वो 6 इंटरनल रिएक्शंस रहेगी आपकी, एक रहेगी आपकी RX, एक रहेगी RY, एक रहेगी RZ, ठीक है, RX, RY, RZ, फिर रहेगी आपकी MX, फिर आपकी रहेगी MY और फिर एक आपकी रहेगी
एम जेड ये टोटल छह रिएक्शंस इंटरनल यहां पर इस जगह पर आने वाली है। क्या मीनिंग है इनका? तो देखो मैंने कहा था मेंबर फोर्सेस या तो एक्सियल फोर्स होता है या शियर फोर्स हो सकता है या बेंडिंग मोमेंट हो सकता है या फिर टॉर्शनल मोमेंट हो सकता है, ये चार हो सकते हैं इंटरनली। तो यहां पर यदि हम बात करें आपका एक्सियल फोर्स का, तो बता सकते हो कि इन छह में से एक्सियल फोर्स क्या है। एक्सियल फोर्स है मतलब जो मेंबर की एक्सिस के अलोंग लग रहा है, तो मेंबर के एक्सिस के अलोंग क्या है, एक्स आर एक्स मतलब इधर की डायरेक्शन में आर एक्स लग रहा होगा, तो यहां पर आपका एक्सियल फोर्स है आर एक्स। क्लियर है यहां तक की बात? अब हम बात करते हैं शेयर फोर्स का कि क्या है शेयर फोर्स। यहां पर शेयर फोर्स मतलब ये मेंबर का शेयरिंग होना, या तो ये मेंबर ऐसा शेयर हो सकता है या फिर ऐसा शेयर हो सकता है। क्या बोल रहा हूं, या तो मेंबर ऐसा शेयर हो सकता है या ऐसा शेयर हो सकता है, मतलब दो टाइप के शेयर फोर्सेस हो सकते हैं यहां पर। कौन कौन से? एक हो जाएगा आपका आर वाई और एक आपका हो जाएगा आर जेड। तो ये दो हो गए आपके शेयर फोर्स। फिर बेंडिंग मोमेंट की यदि मैं बात करूं, तो बेंडिंग मोमेंट कौन से दो डायरेक्शन के अबाउट हो सकता है? मैंने आप लोगों को बताया है कि या तो ये अबाउट, देखो बीम कौन से डायरेक्शन में है, बीम है आपकी एक्स डायरेक्शन में। ध्यान से समझो, अब एक्चुअल में आप लोगों को पिक्चर समझा रहा हूं यहां पर कि यहां पर देखिए ये दो बीम थे और ये आपका कॉलम था। क्लियर है यहां तक की बात? ये हमारे घरों में हमें जंक्शन देखने को मिलेगा, कहीं पर भी देखो ये जंक्शन देखने को मिलेगा कि एक बीम इधर जा रही है दूसरा बीम उधर जा रहा है, बीच में ही नीचे कॉलम है। अब मैं कह रहा हूं कि मैंने 3D बीम लिया है, ये आपका कौन सा बीम है, ये आपका 3D बीम है जो कि कौन से डायरेक्शन में बनाया है मैंने, एक्स डायरेक्शन में मैंने बनाया है। तो ये जो कलर, ये जो है बीम, ये आपकी एक्स डायरेक्शन का बीम है। इस पर मैंने लोड लगाया, लोड लगाया तो देखो ये कैसा डेवलप, कैसा मोमेंट हो रहा है, ये अबाउट जेड एक्सिस हो रहा है। तो एक बेंडिंग मोमेंट तो मुझे कैसा मिल चुका है, एक बेंडिंग मोमेंट तो मुझे मिल चुका है अबाउट जेड एक्सिस, क्योंकि मैं आपको बता चुका था कि ये आपका x एक्सिस है, ये आपका z एक्सिस है और ये वर्टिकल y एक्सिस है। तो ये ऐसा लोड लगाने पर कैसा डेवलप हो रहा होगा, अबाउट z एक्सिस, इस एक्सिस के, ये जो एक्सिस आपके तरफ आ रही है ना उस एक्सिस के अबाउट देखो ये रोटेट हो रहा है, तो ये अबाउट z एक्सिस है, ये अलोंग z एक्सिस नहीं है, ये अबाउट z एक्सिस है। एक बेंडिंग मोमेंट तो ये पॉसिबल है। दूसरा बेंडिंग मोमेंट क्या पॉसिबल है कि हो सकता है मैं इसको ऐसा लोड दूं, तो ये जो मेंबर है ऐसा लोड देने पर ऐसा मूव हो रहा है, मतलब इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट इसमें मूवमेंट आ रहा है। देखो कैसे, देखो ये देखो कैसा मूव कर रहा है, ये लोड लगाया मैंने तो ये इस तरीके से ये रोटेट हो रहा है, मतलब इस वर्टिकल एक्सिस वाई के अबाउट ये मेंबर पूरा ऐसा रोटेट हो रहा है, मतलब ये क्या हो चुका है यहां पर अबाउट वाई एक्सिस भी इसमें बेंडिंग मोमेंट आ रहा है। तो एक दूसरा बेंडिंग मोमेंट इसमें पॉसिबल है अबाउट वाई एक्सिस। तीसरा यहां पर मैंने कहा था कि टॉर्शनल मोमेंट आ सकता है, तो टॉर्शनल मोमेंट क्या हो सकता है, फिर से वही बात कि हमारा ये जंक्शन था कुछ इस तरीके से। टॉर्शनल मोमेंट मतलब क्या कि अब आपने ये वाली बीम पर लोड लगाया, जो बीम आपकी तरफ आ रही है ना उस पर आपने लोड लगाया, तो ये बीम में तो देखो कैसा हो रहा है, ये बीम इसको, ये बीम में जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है वो अबाउट एक्स एक्सिस आ रहा है, ये वाली बीम में जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है वो अबाउट एक्स एक्सिस आ रहा है, लेकिन इस वाली बीम में इसके बेंडिंग के कारण कैसा आ रहा है, टॉर्क डेवलप हो रहा है इस वाली बीम में, क्योंकि देखो ये इसको क्या कर रहा है, अबाउट एक्स एक्सिस रोटेट कर रहा है, मतलब ये वाला जो बीम है, जो एक्स डायरेक्शन का बीम है, वो खुद के एक्सिस के अबाउट ऐसा रोटेट हो रहा है, खुद के एक्सिस के अबाउट इस तरीके से रोटेट हो रहा है जब इस वाली बीम में लोड डाला था। तो मतलब टॉर्शनल मोमेंट क्या आ चुका है, खुद के बीम के एक्सिस के अबाउट आ चुका है, और वो है आपका बेंडिंग मोमेंट अबाउट एक्स। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं कि सिंपल केस। अब मैं सभी मार्कर्स अपने जेब में रख लेता हूं और सिर्फ आप लोगों को यह बता रहा हूं कि वो एक्स बीम था, लोड लगाया, आपकी तरफ एक्सिस थी जेड, तो देखो आपकी एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है, तो बेंडिंग मोमेंट जेड। फिर मैंने ये तो मैंने वर्टिकल लोड लगाया था, हो सकता है इसमें इंक्लाइंड लोड के कारण हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आ रहा है, तो ये इस तरीके से भी ये रोटेट हो सकता है, मतलब ये वर्टिकल एक्सिस के अबाउट देखो पूरा रोटेट हुआ, मतलब एक बेंडिंग मोमेंट एम वाई भी आ सकता है। और तीसरा कि ये खुद के एक्सिस के अबाउट रोटेट कर गया हो इस तरीके से, ये खुद के एक्सिस के अबाउट कब रोटेट करेगा, जब जेड डायरेक्शन जो आपकी तरफ बीमारी थी वो रोटेट करेगी, तो देखिए इसके एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, उस टाइम पे इसके अंदर बेंडिंग मोमेंट अबाउट एक्स आ रहा है।
तो वो हो जाएगा मोमेंट अबाउट एक्स, मतलब उसको हम बोलते हैं टॉर्शनल मोमेंट। क्लियर? तो जब भी आप खुद के एक्सिस के अबाउट मोमेंट लाते हैं अपने मेंबर में तो उसको हम टॉर्शनल मोमेंट कहते हैं, और जब दूसरे के एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट लाते हैं तो उसको हम बेंडिंग मोमेंट कहते हैं। तो देखो मेरे पास जो बीम थी वो तो एक्स डायरेक्शन में थी, जो बीम थी वो तो एक्स डायरेक्शन में थी। मैं रोटेशन किस एक्सिस के अबाउट लाया? वाई एक्सिस के अबाउट लाया, जेड एक्सिस के अबाउट लाया, तो मेरे मेंबर में बेंडिंग मोमेंट डेवलप हुआ। लेकिन जब मैंने खुद की एक्सिस के अबाउट मोमेंट लाया तो मेरे में टॉर्क डेवलप हो गया, टॉर्शनल मोमेंट डेवलप हो गया mx। यहां तक की बात क्लियर हो गई? तो ये थे आपके टोटल इंटरनल फोर्सेस 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 मैंने यहां पर आप लोगों को दर्शा रखे थे। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि इंटरनल फोर्सेस जो है वो सिर्फ 4 टाइप के पॉसिबल है, वो मैंने यहां पर बता रखे हैं, एक्सियल फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स एंड टॉर्शनल मोमेंट। ये चारों टाइप के मैंने बता दिए कि यदि आपके पास पिन जॉइंटेड मेंबर्स है, मतलब ट्रसेस है, तो चाहे वो 2D हो चाहे 3D हो, आपके हर एक मेंबर में केवल एक ही इंटरनल रिएक्शन आएगी, दैट विल बी योर एक्सियल फोर्स। फिर मैंने बताया कि रिजिड जॉइंटेड मेंबर्स है तो यदि 2D है तो 3 आएगा एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, और यदि मेरे पास 3D है तो मेरे पास 6 रिएक्शंस आएगी, जिसमें से एक रहेगा एक्सियल फोर्स RX, 2 रहेंगे शियर फोर्स, 2 रहेंगे बेंडिंग मोमेंट, और 1 रहेगा टॉर्शनल मोमेंट, RX RY RZ, MX MY MZ। 6 रिएक्शंस, इंटरनल रिएक्शंस आने वाली रहेगी। ये मैंने इंटरनल रिएक्शंस की बात कर दी यहां तक आप लोगों के साथ में। मैंने आप लोगों के साथ में बात भी कर दिया था एक्सटर्नल रिएक्शंस का भी, जहां पर मैंने डिफरेंट डिफरेंट सपोर्ट्स बना के एक्सटर्नल रिएक्शंस आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था, हॉरिजॉन्टली गाइडेड रोलर्स, वर्टिकल गाइडेड रोलर्स भी डिस्कस करा था, एक स्पेशल टाइप के सपोर्ट्स। तो यहां तक हम लोगों ने इस पर्टिकुलर लेक्चर में क्या क्या डिस्कस कर लिया है, मुझे याद है मैंने स्टार्ट किया था इंपॉर्टेंस बताना, स्ट्रक्चरल एनालिसिस का क्या इंपॉर्टेंस है वो मैंने आप लोगों के साथ में अभी तक डिस्कस किया। मैंने आप लोगों को ये बताया कि कितने टाइप के स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, पिन जॉइंटेड हो सकता है, रिजिड हो सकता है। मैंने आप लोगों को बताया कि यदि पिन जॉइंटेड है तो उसमें इंटरनल फोर्सेस, एक्सटर्नल रिएक्शंस कैसे निकाली जाए। यदि एक्सटर्नल रिएक्शंस और इंटरनल रिएक्शंस की हम बात करें तो एक्सटर्नल रिएक्शंस कैसे अलग अलग सपोर्ट्स पर निकालते हैं, इंटरनल रिएक्शंस की बात करें तो हर एक अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स में कैसे निकालते हैं, वो अब तक हमने इस लेक्चर में देखा है। आई होप यू are now clear with the basics of this structural analysis and the type of structures, कितने type के reactions होते हैं, कितने type के support होते हैं, वो सब कुछ आप लोगों को clear होगा। अब मैं इसके आगे बात करने वाला रहूंगा released reactions का, उसके बारे में हम बात करेंगे और फिर type of beams भी थोड़ा बहुत देखेंगे। फिर मैं actually ये chapter start करूंगा और chapter का नाम जो आप लोग जानते हैं इंटरनल chapter का नाम आप लोग जानते हैं indeterminacy, जिसके बारे में हम discuss करने वाले रहेंगे। थैंक यू।